बेस्ट बैक कवर्स एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर रेडमी नोट 11। तो गाइस ये इस रेडमी नोट 11 के बैक कवर्स का पार्ट टू है। मैंने इसके रिलेटेड एक ऑलरेडी मैंने पार्ट वन कवर किया है जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के बैक कवर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये इसका पार्ट टू है जिसमें मैं आपको एक और डिफरेंट टाइप के बेस्ट बैक कवर्स और बेस्ट बैक केसेस के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ इस शाओमी के रेडमी नोट 11 के लिए है। तो जितने भी सारे बैक कवर्स हैं ये इजिली और कंफर्टेबली आपके इस रेडमी नोट 11 पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन का टॉपिक चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, और जितने भी सारे बैक कवर्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबके लिंक्स भी वीडियो के डाउन साइड में है अगर आप इन्हें परचेस करना चाहो तो। तो नाउ अभी इन सारे बैक कवर्स को वन बाय वन अपने इस रेडमी नोट 11 पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि अगर आप इसे बैक कवर्स को अप्लाई करते हो तो एक्जैक्टली इन सारे बैक कवर्स के जो लुक्स है तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे अपने रेडमी नोट 11 पर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में, तो जाकर आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल। तो ना ये है फर्स्ट बेस्ट बैक कवर और केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये जो है बैक कवर है मैं पहले इसे मेरे फेवरेट वाले बैक कवर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरा लिटिल बिट ऑफ यानी कि 80% फेवरेट बैक कवर है जो पूरी तरीके से सिलिकॉन मटेरियल के साथ में आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और एकदम सॉफ्ट एंड सूफ्ट है जब आप इसे अपने रेडमी नोट 11 पर अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर गाइस पूरी तरीके से सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हाथ में जब फील करने पे जाएगा एकदम लाल भड़क माल कड़क वाला काम दिखता है। तो जैसे आप इसे अपने रेडमी नोट 11 पर अप्लाई करते हो तो इसका जो लुक है इट विल लुक लाइक दैट। तो सारे ऑप्शन एंड बटन यहाँ पे परफेक्ट दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, पावर बटन के लिए, देन उसके बाद स्पीकर्स के लिए, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए, सारे ऑप्शन परफेक्ट तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर प्रॉपर सूथ सा इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कैमरा को सामने से ऑन करते हैं देन उसके बाद यहाँ पर जो इसका लुक है इट विल लुक लाइक दैट। और आई थिंक इट्स नॉट बैड दैट मच इफ वी अप्लाई इट। आई पर्सनली लव दिस बैक कवर वेरी वेरी मच, सो गो फॉर इट। सो ये है सेकंड बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। ये बैक कवर सिर्फ और सिर्फ हमारी जंगली बिल्लियों के लिए यानी कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए, बिकॉज ये बैक कवर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के ऊपर ही अच्छा लगेगा और बॉयज़ के हाथों में बैक कवर बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। तो कोई भी बॉयज़ इसे परचेस करना मत वरना लोग पकड़ के मारेंगे यार, हंसेंगे अलग से। तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है रेडमी नोट 11 इतना प्यारा दिखता है तो इसे गर्ल्स भी परचेस की होगी। तो ऑब्वियसली बात है इनमें से सिर्फ फीमेल्स के लिए बैक कवर है। तो इसे जब आप अप्लाई करते हो अपने रेडमी नोट 11 पर तो ये एक्जैक्टली आपको इस तरीके के लुक में दिखता है। तो फ्लिप इसको कहते हैं बेसिकली फ्लिप कवर, और फ्लिप कवर का मैं पार्ट थ्री में मैंने बॉयज़ के लिए फ्लिप कवर के बारे में बताया, तो आप पार्ट थ्री को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फ्लिप कवर में कोई बैक कवर अगर आप सर्च करें अपने रेडमी नोट 11 के लिए तो पार्ट थ्री में मैंने फ्लिप कवर बताया है। तो ये जो बैक कवर है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो जैसा पूरा कवर करते हो तो ये पूरे स्मार्टफोन को आपको यहाँ पे 360 एंगल में प्रोटेक्शन देता है जो कि ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़रा गुड एंड लुक है। तो आई थिंक इट्स नॉट बैड, तो आप इस बैक कवर के लिए जा सकते हो फीमेल्स, दैट्स इट। और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको पॉकेट्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया जहाँ आप अपने कैश क्रेडिट कार्ड को कैरी कर सकते हो, सो नॉट बैड। सो ये है थर्ड बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये भी बैक कवर है गाइस सिंपल सा, सादा सा, प्यारा सा, सॉफ्ट सा एक बैक कवर, सॉफ्ट नहीं हार्ड टाइप का बैक कवर। ये बैक कवर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा जो अपने रेडमी नोट 11 के लिए एक सिंपल सा प्लेन केस सर्च करते हैं, बिकॉज कई सारे यूजर्स होते हैं इवन मैं भी अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा कलर भलर वाले बैक कवर यूज़ नहीं करता, सिंपल सा सादा सा डिसेंट लगने वाला एक प्लेन केस वाला जो बैक कवर वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ मेरे स्मार्टफोन्स में। तो ये इस टाइप के पास जो बैक कवर्स मेरे जैसे यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा जो सिंपल सा बैक कवर यहाँ पे सर्च करें। और इस पर अगर आप देखो तो कोई भी ज़्यादा कैची जैसा फील नहीं होता है, एकदम सिंपल सा डिसेंट सा लुक है, तो बिल्कुल भी वियर टाइप का नहीं है। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए, पावर बटन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देन इसके बाद यहाँ पर है लेफ्ट साइड में इसका लुक, देन इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ है स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए सारे के सारे ऑप्शन एंड बटन यहाँ पे परफेक्ट तरीके से दिए गए हैं। सो इट्स नॉट बैड दैट मच, सो ओवरऑल इट्स कंप्लीटली गुड। सो गो फॉर दिस सिंपलिस्टिक बैक कवर फॉर योर रेडमी नोट 11 एंड लाइक दिस पर्सनली वेरी वेरी मच। देन ये है फ्रंट साइड से इसका लुक, सो नाउ ये है फोर्थ बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये जो बैक कवर है गाइस एकदम सिंपल सा नहीं है, ये अलग टाइप का बैक कवर है लेकिन
ये बात मानना पड़ेगा कि जब भी शाओमी की तरफ से कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है, स्पेशली रेडमी सीरीज वाले स्मार्टफोन्स, तो उनमें आपको बैक कवर्स लाइक यूनिक यूनिक टाइप के देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने हर बार नोटिस किया है। तो रेडमी के जितने भी सारे वेरियंट्स अभी तक लॉन्च हुए, रेडमी 9, 10, 11, सब में आपको अलग अलग टाइप के क्वालिटी वाले बैक कवर्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज से ज्यादा डिमांड में रहते हैं, हर कोई परचेज करता है। यहाँ पर ये जो बैक कवर है आपको ज्यादातर रेडमी के स्मार्टफोन्स में मिलेंगे, और अदर स्मार्टफोन्स में मुझे इस तरह के बैक कवर्स अभी तक देखने को नहीं मिले। तो एकदम अलग से, ये बेसिकली कोई हार्ड केस नहीं है, ये सिलिकॉन बैक कवर है, लेकिन जो क्वालिटी है बॉस एकदम खतरनाक क्वालिटी है, पूरा हार्ड टाइप का ये सिलिकॉन है। तो अप्लाई करने के बाद ये आपके स्मार्टफोन पर ऐसे लुक में देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से इतने एकदम परफेक्ट तरीके से इसने कैमरा को प्रोटेक्शन दिया है। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए पावर बटन के सारे ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट तरीके से दिए गए हैं फ्रंट साइड से। देन उसके बाद डाउन साइड से इसका जो लुक है, इट विल लुक लाइक दैट। देन ये है फ्रंट साइड का इसका लुक, देन ये है लेफ्ट साइड से इसका लुक। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड, और आप इस बैक कवर के लिए भी जा सकते हो अपने रेडमी नोट 11 के लिए। सो इट्स कम्प्लीटली गुड, गो फॉर इट। सो नाउ ये है नेक्स्ट बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये जो बैक कवर है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा से दिखता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एकदम बैक साइड से अगर आप यहाँ पे टच करो तो ये पूरा सॉफ्ट है, सॉफ्ट एकदम प्लेन जैसा फील होता है। और लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में लेकिन हार्ड टाइप का है, और ये भी आपके स्मार्टफोन को डैमेज होने से बचाएगा। ये जो कलर दिया गया है, जिस तरीके का टेक्सचर और मटेरियल आप यूज़ किया गया है, तो ऑब्वियस बात है इसका प्राइस भी कम है, लेकिन जो क्वालिटी दे रहा है ऑब्वियस बात है प्राइस से ज़्यादा इसका बेटर क्वालिटी है। तो आप इस वाले बैक कवर के लिए भी जा सकते हो, ये एकदम ईजिली तरीके से आपके रेडमी नोट 11 पर अप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए, पावर बटन के लिए सारे ऑप्शन आप दिए गए हैं। स्पीकर चार्जिंग पोर्ट्स के लिए भी ऊपर की तरफ भी आप परफेक्ट तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। देन लेफ्ट साइड से इसके लुक, और ये है फ्रंट साइड से इसका लुक। तो फ्रंट में जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये आपको ऐसे लुक में देखने को मिलेगा। सो गो फॉर इट, राइट? सो आई थिंक इट्स नॉट बैड। सो नाउ ये है नेक्स्ट बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये बैक कवर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, एकदम सॉफ्ट सा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रेड कलर का बैक कवर दिखाया था, सेम यही क्वालिटी वाला बैक कवर है, लेकिन कलर यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर आपको रेड ज़्यादा रेड दिख रहा है तो आप इस सिंपल और सॉफ्ट वाले बैक कवर के लिए भी जा सकते हो, जो इजिली आपके रेडमी नोट 11 पर भी अप्लाई हो जाएगा। और वैसे भी मैंने इसके रिलेटेड एक और बैक कवर बताया है पार्ट वन में। तो पार्ट वन में मैंने एकदम अलग ही टाइप का पर्पल कलर का बैक कवर मैंने आपको बताया, तो वो पार्ट वन में है, सेम यही है, यही क्वालिटी में। तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो क्वालिटी है इस टाइप के बैक कवर बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज एकदम सॉफ्ट से होते हैं और डिसेंट से भी लगते हैं। तो अप्लाई करने के बाद ये आपके रेडमी नोट 11 पे इसका जो लुक है, इट विल लुक लाइक दैट। तो कैमरा प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर ऑफ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए, पावर बटन के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। स्पीकर चार्जिंग पोर्ट्स के लिए, देन उसके बाद ये है फ्रंट साइड से इसका लुक, देन उसके बाद ये है लेफ्ट साइड से इसका लुक। सो ओवरऑल इट विल लुक लाइक दैट। सो आई थिंक इट्स नॉट बैड दैट मच। सो गो फॉर दिस सिंपलिस्टिक बैक कवर फॉर योर रेडमी नोट 11, एंड पर्सनली आई लाइक इट वेरी वेरी मच। सो गाइस, ये है नेक्स्ट बेस्ट बैक कवर एंड केस फॉर योर रेडमी नोट 11। और ये जो बैक कवर है ये एकदम हार्ड केस वाला बैक कवर है, इसे एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्मी इफेक्ट बैक कवर, बिकॉज ये इस टाइप के जो बैक कवर्स होते हैं गाइस, ये आज से नहीं आ रहे। आई थिंक ये लास्ट 5 to 6 ईयर्स से कंटिन्यूसली इस टाइप के बैक कवर्स के मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चालू है, और इसका डिमांड भी वैसा है, बिकॉज अभी तक इससे कोई बोर नहीं हुआ है। और हर ज़्यादातर केसेस में यूजर्स इस टाइप के बैक कवर्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बिकॉज इनका जो क्वालिटी है, जो यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये कैमरा प्रोटेक्शन के साथ साथ रिंग होल्डर बैक कवर है, तो इस ये इजिली 360 एंगल में इस तरीके से रोटेट होता है। तो आप इसको इस तरह पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको एज अ होल्डर के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने फिंगर को इस तरीके से पुट करके कॉल पे बात कर सकते हो। तो ये कोई शाइनिंग के लिए यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, ताकि अगर आप अपने कॉल पे बात करो तो पीछे से कोई भी आपका मोबाइल छीन के ना भाग सके। तो ऐसे में ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया, तो और इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। और इस टाइप रिंग वाले जो होल्डर होते हैं, इसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे अप्लाई करते हैं रेडमी नोट 11 पर। तो अप्लाई करने के बाद जो इसका लुक है, इट विल लुक लाइक दैट। सो इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो गो फॉर दिस बैक कवर फॉर योर रेडमी नोट 11। तो फ्रंट साइड से इसका जो लुक है, इट विल लुक लाइक दैट। सो नॉट बैड। देन बैक साइड से सारे ऑप्शन एंड बटन से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से दिए गए हैं। स्पीकर चार्जिंग पोर्ट्स के लिए सारे ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, देन इसके बाद ये है फ्रंट साइड से इसका लुक। सो
सो गाइस ये जितने भी सारे बैकवर्ड जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे इजीली आपके रेडमी नोट 11 पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारे बैकवर्ड जो मैंने आपको बताया अगर आपको इनमें से किसी को भी परचेस करना है तो सबके लिंक्स वीडियो के डाउन साइड में, वहाँ पे जाकर आप इन सारे बैकवर्ड्स को परचेस कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो, नॉट बैड। तो ये बेसिकली इसका पार्ट टू है, इसके रिलेटेड पार्ट थ्री और पार्ट वन का भी टॉपिक है जिसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में, तो जाके आप पार्ट वन और पार्ट थ्री को भी चेकआउट कर सकते हैं पार्ट टू के अलावा, सबके लिंक्स वीडियो के डाउन साइड में। तो ये थे बेस्ट बैकवर्ड्स और बेस्ट बैक केसेस फॉर रेडमी नोट 11।